सो so, स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रिसिटी के दो पार्ट्स पढ़ चुके हैं अब हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हमें क्या पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कॉम्बिनेशन मतलब रजिस्टर्स जो होते हैं हम उन्हें कंबाइन करते हैं तो दो तरीके से करते हैं या तो सीरीज में या फिर पैरेलल में तो सबसे पहले हम सीरीज की बात करते हैं सीरीज़ में कनेक्ट करने का क्या है ये देखो यहाँ पे तीन रजिस्टर्स हैं रजिस्टर वन रजिस्टर टू टू एंड रजिस्टर थ्री ये तीनों सीरीज में है। एक कनेक्ट हुआ उसके बाद दूसरा कनेक्ट हुआ उसके बाद तीसरा कनेक्ट हो गया तो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस इन सीरीज़ इसके बारे में पढ़ते हैं व्हेन टू और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड कॉन्जिक्यूटिवली एक के बाद एक एक के बाद एक कनेक्ट होता जा रहा है दे आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इसका एग्जाम्पल है जैसे हमने क्या करा आपने देखा दिवाली पर हम घर में झाले लगाते हैं लाइट्स बल्ब्स लगाते हैं तो कैसे होते हैं ये एक वायर आया इसमें एक बल्ब अटैच था उसके बाद यहाँ पे दूसरा बल्ब था उसके बाद यहाँ पे तीसरा चौथा पाँचवा ऐसे आगे बल्ब जाते हैं सारे बल्ब ग्लो कर रहे हैं ठीक है अब क्या हुआ सडनली ये वाला बल्ब फ्यूज़ हो गया अब ये बल्ब जैसे फ्यूज हुआ तो ये वाले बल्ब भी ग्लो करने बंद कर दिए क्यों हुआ ऐसा क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड थे करंट इन सब में सेम आता है सीरीज में करंट सेम होता है बट रेजिस्ट बट इनका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है वेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज आर ज्वाइन टू द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी देन ईच रेजिस्टेंस हैज़ ए डिफरेंट पोटेंशियल अब जैसे ये था हमने एक ये लगाया दूसरा लगाया तीसरा लगाया अब इन सब में करंट सेम जाएगा तो इसका हो गया ये रेजिस्टेंस हो गया आर वन ये हो गया आर टू और ये हो गया आर थ्री लेकिन इनमें पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में अलग अलग जाएगा एक में वी वन गया एक में वी टू गया और एक में वी थ्री गया अब आई समझ में तीन रेजिस्टर्स थे आर वन आर टू आर थ्री इन तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस भी इन तीनों का अलग अलग होगा आर वन V1, V2, V3. तो इनमें करंट सेम होता है अब हम इसका डेरिवेशन है उसको देखते हैं द फिगर शोज दर वन आर टू आर थ्री कनेक्टेड इन सीरीज ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है नाउ सपोज पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस आर पोटेंशियल डिफरेंस आर वन का है V1, आर टू का है वी टू आर थ्री का है वी थ्री समझ में आ गया अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वी इज इक्व टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस का सम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा अब जब हमने इसमें ओम्स लॉ अप्लाई किया तो वी वन इज इक्व टू वी इज टू आई आर होता है देखो v इज इक्व टू आई आर होता है अब यहाँ पे वी वन है तो आई आर वन हो गया वी टू के लिए आई आर टू हो गया और वी थ्री के लिए आई आर थ्री हो गया अब हमने यहाँ पर देखा था v इज इक्व टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री वी इज इक्व टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री अब v की वैल्यू तो हमने यहाँ पर रख दी आई आर इज इक्व टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री ठीक अब आई को इसमें हमने कॉमन ले लिया आई कॉमन हो गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री ठीक अब इस आई से यह आई कैंसिल हो गया क्या बचा आर इजिकल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री अब इसको हम यहाँ पे देखेंगे V इजिकल्स टू आई इन टू आर वन ये आगे समझ में V टू इजिकल्स टू आई आर टू वी थ्री इजिकल्स टू आई आर थ्री ठीक आई हमने सेम क्यों लिया तीनों में क्योंकि जब भी रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनमें करंट सेम फ्लो होता है अब आई आर इज इक्व आई आर वन प्लस आई आर टू हमने ये तीनों वैल्यूज यहाँ पर रख दी आई आर वन सॉरी आई आर इजिकू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री और आई आर इजिक्वस टू आई हमने कॉमन ले लिया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आई से आई कैंसिल हो गया क्या बच्चा आर इज इक्व टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री यही हमें डेरिवेट करना था कि टोटल रेजिस्टेंस जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं अगर वो सीरीज में लगे हुए हैं तो उसकी टोटल रेजिस्टेंस को हम कैसे मेजर करेंगे नाउ दे वी कंक्लूडेड द सम टोटल रेजिस्टेंस इन ए सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन इक्वल कनेक्टेड इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द समिस्टेंसेज अब आगे बात करते हैं हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल अभी तक हमने सीरीज में देखा था कि सीरीज में जो भी कनेक्टेड होते हैं ये सीरीज के हैं इन सब में सेम करंट फ्लो करता है बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट और डिफरेंट होता है, सबका डिफरेंट होगा अब हम अगर इसको पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो कैसे करेंगे ये है एक ये हो गया एक ये हो गया और एक ये हो गया इन तीनों को कनेक्ट कर दो तो ये कहलाएगा रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज में देखो एक ही करंट आ रहा था तीनों में जा रहा था अब यहाँ पे करंट तीनों में बट गया तो यहाँ करंट हो गया आई वन यहाँ आ गया आई टू और यहाँ आ गया आई थ्री लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा रेजिस्टर क्या है आर वन आर टू आर थ्री ठीक है बताऊंगी इसको कैसे है अब पहले इसकी एक बारी थ्योरी देख लेते हैं व्हेन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम पॉइंट्स दे आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल तो ऐसे तो कनेक्ट हुए अब इनको हमने इकट्ठा कर लिया व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम विच इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ बैटरी अब इनमें पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम होगा अब आगे देखते हैं डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ करंट्स फ्लोस थ्रो ईच रेजिस्टर्स तीनों में सेम करंट इक्वल अमाउंट में जाता है बट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच पैलर रेजिस्टेंस टेकन टुगेदर इज इक्वल टू द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एज ए होल मतलब आर वन कितना करंट लेगा डिपेंड करता है आई वन लेगा आर टू लेता है आई टू और आर थ्री लेता है आई थ्री ठीक है। दस वेन नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरल देन द सम ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट ये कह रहे हैं I इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री जैसे हमने पिछले केस में V इज इक्व टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री पढ़ा था यहाँ पर तीनों में अलग अलग करंट जा रहा है और वो तीनों का करंट जो है वो इक्वल करंट वो इक्वल होगा टोटल करंट के ठीक है अब आगे देखते हैं इसका डेरिवेशन रेजिस्टेंस इन पैरेलल द फिगर शोज टू रज थ्री रेजिस्टेंस आर वन आर टू आर थ्री कनेक्टेड इन सीरीज देखो ये पैरल होगा यहाँ पर सीरीज नहीं होगा पैरल होगा नो सपोज करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस आर वन आर वन का आई वन है आर टू का आई टू है आर थ्री का आई थ्री है लेट टोटल करंट इन द सर्किट बी आई टोटल करंट देखो यहाँ से बैटरी से जो आया वो आई है तो आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री अब हमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने पिछले में देखा था वी इज इक्व टू आई आर क्योंकि यहाँ पे वी सेपरेट था अब यहाँ पे जब आई अलग अलग है तीनों रेजिस्टेंस का तो हम यहाँ लेंगे आई इज इक्व टू वी अपॉन आर अब आई वन इज इक्व टू वी अपन आर वन आई टू इज इक्व टू वी अपॉन आर टू एंड आई थ्री इज इक्व टू वी अपन आई थ्री ये रहा

अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री अब यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हमने v कॉमन ले लिया अब हमने जैसे v अपॉन आर लिख के v कॉमन लिया तो ये क्या बन गया वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन सॉरी वी अपॉन आर वी अपन आर आर इज इक्वस टू वी अपॉन आर वन प्लस वी अपॉन आर टू प्लस वी अपॉन आर थ्री अब हमने वी कॉमन ले लिया वी अपॉन आर ही लिखेंगे वी कॉमन वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री अब वी से वी कैंसिल हो गया तो क्या बचा वन अपॉन आर इज इक्व टू वन अपॉन आर इज वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री और यही हम लोगों को प्रूव करना था कि अगर हम पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता है देया फोर वी कंक्लूड दैट द सम टोटल रेजिस्टेंस इन ए पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस इसका डेरिवेशन कई बार ही एग्जाम्स में आ जाता है लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है इजी है ध्यान से करोगे आराम से समझ में आ जाएगा अब क्या है सीरीज वेस पैलन अब हम कंपेयर करेंगे सीरीज और पैलल को तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो सीरीज में मोर देन दाइस्ट रजिस्टेंस इसमें क्या होगा पैनल में लेस होगी या इक्वल होगी अमाउंट ऑफ करंट सीरीज़ में देखो रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगा पैरेलल में रेजिस्टेंस कम है तो करंट भी सॉरी करंट ज़्यादा होगा स्विचिंग ऑफ और ऑन अगर हमने एक स्विच को ऑफ़ कर दिया सपोज़ मैंने क्या करा मैंने एक सीरीज में लगाया सब मैंने यहाँ पे लगाया स्विच इस स्विच को यहाँ से लगाया बल्ब से कनेक्ट कर दिया उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फ़ैन लगा दिया ये फ़ैन लग गया बल लगा दिया उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया उसके बाद मैंने एक और फ़ैन लगा दिया फिर मैंने एक बल्ब लगा दिया ये एक सीरीज में लगा दिया अब जब मैंने मुझे ये वाला बल्ब जलाना है तो मुझे करंट कहाँ से फ़्लो करेगा पहले ये इस बल्ब में जाएगा फिर यहाँ जाएगा फिर यहाँ फिर यहाँ लास्ट में ये जलेगा केस अगर ऐसा हो जाए कि ये वाला फ़ैन ख़राब हो गया तो क्या होगा आगे की कोई भी चीज नहीं करंट वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं दिस इज़ द बिग डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज़ इफ़ वन इज इफ वन इज स्विच्ड ऑफ अदर ऑल्सो डो नॉट वर्क अगर एक खराब हो गया या एक को हमने ऑफ़ कर दिया तो सारे अगले उसके बाद के सब बंद हो जाएंगे या फिर वो चलेंगे लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता पैरेलल में क्या होता है सपोज एक यहाँ से स्टार्ट हुआ ये ऐसे ये एक वायर था इस वायर को हमने तीन जगह कनेक्ट कर दिया यहाँ पे हमने लगाया बल्ब यहाँ पे हमने लगाया फ़ैन और यहाँ पर हमने एक ट्यूबलाइट लगा दी और इसको वापस से कनेक्ट कर दिया ठीक है तो अब क्या होगा करंट आया यहाँ तीनों जगह गया अगर ये बल्ब ख़राब हो गया तब भी हमारे ये दोनों अप्लायंसेज वर्क करेंगे अगर हमारा ये बल्ब सही था ये फ़ैन भी ख़राब हो गया सपोज बल्ब भी ख़राब फ़ैन भी ख़राब तब भी हमारी ये ट्यूबलाइट चलेगी तो ये सबसे अच्छी एडवांटेज होते इसीलिए अब घरों में हम कैसे वाले कैसा वाला कनेक्शन करते हैं पैरेलल इन दिनों हम घर में अब पैरेलल कनेक्शन ही करते हैं उसके बाद है अप्लायंस फेलियर फेलियर इफ़ वन अप्लायंसटॉप वर्किंग नन ऑफ द अप्लायंस विल वर्क एक ने खराब एक रुक गया तो अगले भी रुक जाएंगे इफ़ वन अप्लायंस स्टॉप वर्किंग अदर्स विल वर्क इंडिपेंडेंटली अगले वर्क करेंगे उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस ईच अप्लायंस रिसीव मैक्मम पोटेंशियल डिफरेंस सबके पास मैगजिम जाता है लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है देखो जितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो तीनों में जा रहा है तो और लेकिन अगर हम पैरल की बात करते हैं तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो तीन में इक्वली डिवाइड हो गया और तीनों में वो पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा अब एक बार ही यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज़ सीरीज़ और व्हाट इज़ पैरेलल देखो यहाँ सीरीज़ है ये बैटरी है यहाँ से करंट स्टार्ट हुआ हमने स्विच ऑन कर दिया तो ये तीनों बल्ब ग्लो कर गए लेकिन जैसे ये वाला सपोज़ ये वाला बल्ब नहीं चलता ये वाला बल्ब ने वर्क करना बंद कर दिया तो क्या होगा अब ये वाले अब ये वाला और ये तो जलेगा ये ख़राब हो चुका है लेकिन ये वाला नहीं जलेगा लेकिन अब अगर हम पैरेलल की बात करते हैं तो देखो पैरेलल में क्या होता है यहाँ से स्विच ऑन किया जैसे ही हमने जैसे हमने स्विच ऑन किया तो क्या हुआ ये वाला बल्ब भी जला ये वाला भी जला ये वाला भी जला सपोज मिडल बल्ब इसका भी ख़राब हो गया अब कनेक्शन की लाइट यहाँ लाइन यहाँ भी आ रही है यहाँ भी आ रही है यहाँ भी जा रही है यहाँ तो ये इसके पास जाके ख़राब हुआ है ना आ, आगे तक तो जा ही रहा है इसलिए ये वाला बल्ब भी जलेगा ये वाला भी जलेगा लेकिन ये खराब हो गया तो ये नहीं जलेगा तो दिस इज़ ऑल अबाउट कनेक्शन इन रजिस्टर्स आई थिंक आपको समझ में आया होगा दैट्स ऑल अबाउट रजिस्टर्स अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सो बी अपडेट अबाउट द न्यू वीडियो थैंक यू सो मच कीप लर्निंग स्टूडेंट्स